तो न्यूज 18 के टारगेट महापोल के आंकड़े अगर हकीकत में बदलते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, और अगर ऐसा हुआ तो इस बड़ी जीत के पीछे 5 अहम फैक्टर होंगे जिनके दम पर बीजेपी कांग्रेस को मात देने में कामयाब होगी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए महापोल के रुझान सबके सामने हैं। न्यूज 18 टारगेट महापोल में मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलता दिख रहा है। टारगेट महापोल के नतीजों के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 127 सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है बल्कि महापोल के रुझान भर है, लेकिन 3 दिसंबर को भी ऐसे ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी की रणनीति की बड़ी जीत होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो उसके पीछे 5 प्रमुख फैक्टर होंगे। पहला, दिग्गजों पर दांव। मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला और अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया। साथ ही सांसद राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और गणेश सिंह को भी टिकट दिया। यही नहीं, पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाच आते हुए भी पार्टी ने उन्हें विधानसभा के रण में उतार दिया। जाहिर है, दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से न सिर्फ वो सीटें जहां से वो उम्मीदवार बने बल्कि उसके आसपास की कई सीटों पर बीजेपी मजबूत हुई और उसके कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हुआ। जीत का दूसरा फैक्टर, लाडली बहन योजना। चुनाव के कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया जो चुनाव के दौरान गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए मिल रहे हैं। इसका असर वोटिंग में देखने को मिला जहां महिलाओं ने जमकर मतदान किया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। साथ ही बीजेपी को राज्य के उन 29 सीटों पर भी फायदे का अनुमान था जहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है। बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर किसान के लिए किए गए वादे भी हैं, जिसका ऐलान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया, जिसके मुताबिक बीजेपी ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का चौथा बड़ा फैक्टर है संगठन की सक्रियता, जिसने चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही अपनी भूमिका मध्य प्रदेश में बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करते रहे। साथ ही बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 14 रैलियां की, जिसने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का पांचवां बड़ा फैक्टर है गुटबाजी पर नियंत्रण। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी ने न सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी बल्कि कई सीटों पर विरोध को भी खत्म करने में कामयाब रही और अपने बड़े चेहरों को बाकी उम्मीदवार बनने से बचा लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से हर तरफ सिर्फ बड़े चेहरे ही दिखते रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ अकेले मोर्चा संभालते दिखे, जिसका असर इन नतीजों के रूप में है। हम फिर कह रहे हैं कि ये फाइनल नतीजे नहीं बल्कि महापोल के रुझान है। फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आप सबसे तेज और सटीक नतीजे जान सकते हैं सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से।